देश की फिक्र मत करो यार, तुम अपनी अपनी फिक्र करो। तुमने अपने बच्चे भेजने, भेजो, नहीं भेजने मत भेजो ना। कौन बोल रहा है कि भेजो? कौन ये कह रहा है कि तुम्हारे को आधार कार्ड नहीं मिलेगा या पैन कार्ड नहीं मिलेगा या रेलवे टिकट या कंसेशन या क्या होता है वो गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? मत भेजो, नहीं जाना तो कमी नहीं है। मेरा बच्चा एक्साइटेड है, मैं 10 बच्चों को अपने को जानता हूं ऑफिसर्स के, वो एक्साइटेड है, लड़कियां एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड है। याद रखना भाई साहब, आज बता रहा हूं, एक वैकेंसी 1000 बच्चे अगर नहीं खड़े होंगे तो क्या बात कर रहे हो? 25 लाख रुपए यार, आप किसी यूथ को असली में अकेले में जाके तो वो भीड़ में तो क्या है, भीड़ में तो सारे शेयर हो जाते हैं। अकेले में पूछो, वो बोलेगा सर क्या करें, भीड़ में सब हम भी कर रहे हैं। तुच्छे लोग जो होते हैं ना, तुच्छे लोग, वो ये सब गलत बातें फैला रहे हैं। नहीं तो सच्चाई ये है, बम्पर लॉटरी है ये, यूथ की लॉटरी खुली है। आर्मी का काम चल रहा था, आप ये मत सोचना कि कोई देश को कोई खतरा था, देश को जरूरत थी, कुछ जरूरत नहीं थी। फौज अपनी टॉप क्लास है, वर्ल्ड की नंबर वन फौज है। जिसके पेट में आग होती है वो मिनटों में सीखता है, घंटों में सीखता है, दिनों में सीखता है, हफ्तों में सीखता है। जिसको महीने और साल लग गए ना सीखने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। जिसने डिसीजन लिया है, और ये कह रहे हैं मोदी साहब ने लिया, इन्होंने लिया, ये तो सिर्फ डिसीजन लेने वाले थे, इसके सोच उनका नहीं है, बहुत सालों से चली एक बात आ रही थी। यूथ को आप क्यों अपाहिज बना रहे हो? यूथ को क्यों बोल बोल के आप ये कह रहे हो कि वो क्या करेगा? ये नहीं होती तो भी कर रहा था, ये होने के बाद तो आसमान छुएगा। ये थंडर स्ट्रॉम है, ये थंडर है, ये इस देश को सींच जाएगा, ये इस देश को पार लगा जाएगा। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज हिंदी। अग्निपथ स्कीम आते ही पूरे देश में जो है वो एक बवाल मचा हुआ है, तमाम लोगों के मन में कई सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं कर्नल अजय अहलावत के पास। कर्नल साहब से बात करेंगे और आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, राम राम, जय हिंद। कर्नल साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो अग्निपथ योजना आई है वो देश के बच्चों के लिए और देश की जो सेना है उसके लिए सही है या गलत है? सबसे पहले एक सवाल का जवाब जो है वो पूरा यूथ जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। पहले तो जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये अग्निपथ योजना है ये कोई आज की नहीं है, ये नाना करते करीब 3 से 4 साल इसके अंदर आर्मी में एट वेरियस लेवल्स, वेरियस रैंक्स, इसके ऊपर बहुत थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत चली है, बहुत सोच विचार हुआ है और बहुत स्टडी हुई है इसके ऊपर, जूनियर लेवल पे, मीडियम लेवल पे और सीनियर लेवल पे, उसके बाद जाकर अपन इस जगह तक पहुंचे। एक पुरानी कहावत, एक पुरानी सेइंग है जी कि मर्द की गर्द में मिल जा और ना मर्द की सरहद से निकल जा। तो ये वो चीज है जहां, जिसको कहते हैं द मेन आर प्रोड्यूस्ड, एनी ट्रेनिंग एकेडमी इन द वर्ल्ड जहां पे मेन आर प्रोड्यूस्ड, कौन सी है वो, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, चाहे वो सैंडहर्स्ट एकेडमी हो, कुछ भी हो कहीं, चाहे वो IAS एकेडमी हो, इन सारी जगहों पे ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग आपको यूथ को मिल रही है, कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? ज्यादातर लोग जो है उनके मन में एक सवाल है और सभी लोग चाहे पॉलिटिकल पार्टी से हो चाहे युवा हो, बस एक सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों का होगा क्या? क्या कह रहे हो आप यार, ये पूरा जो ये जो पूरा सिस्टम है ये हिल जाने वाला है। 25 लाख इस देश के अंदर, बाय द वे 60% ऑफ द लोग पूरे अपनी जिंदगी में 25 लाख नहीं कमा पाते, तो वो तो किसी ने किया नहीं है ना, वो तो फिर भी जिंदगी तो चल रही है, सब देश चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो क्या मतलब है आपके इतना ज्यादा यूथ को 25 लाख रुपए मिल गए? आपकी पहली चॉइस है आप अपने 10वीं 11वीं अपने पैसों से करो, अपने कॉलेज में, उसके बाद कोई थर्ड ग्रेड कॉलेज ज्वाइन करो और उसके बाद बाकी की जिंदगी अपना एक जॉब ढूंढते रहो। आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप अपने ये वाले पैसे लो और उसके बाद 4 साल के बाद अपनी एक बिजनेस स्टार्ट कर दो। क्या प्रॉब्लम है? बहुत आगे है, बहुत दिमाग है अपनी यूथ में। यूथ को आप क्यों अपाहिज बना रहे हो? यूथ को क्यों बोल बोल के आप ये कह रहे हो कि वो क्या करेगा? ये नहीं होती तो भी कर रहा था, ये होने के बाद तो आसमान छुएगा। नहीं तो वो क्या करता है? तीसरा है कि वो सबसे बेस्ट है, ग्रेजुएशन ज्वाइन करे, ग्रेजुएशन करे और उसके बाद आर्मी को ज्वाइन करें। आर्मी को नहीं ज्वाइन करता, BSF, ITBP, CF, इतनी टॉप की फोर्सेस है उनको ज्वाइन करें, हार्डवर्क करें। आग अगर उसमें है, फौज को बैगेज नहीं चाहिए,
फौज को अगर उसमें हार्डवर्क है तो वो 20-25% वालों में से होगा जिसमें वो कमीशन होगा और अफसर बनेगा, इन्हीं में से। आप वो तो देख नहीं रहे हो पॉजिटिविटी 20% क्रीम है, 25% क्रीम है जो अफसर बनेंगे। उसके अलावा जो नहीं बनते हैं उनके पास कितने सारे ऑप्शंस और बच गए, प्लस गवर्नमेंट में भी सुना है कि गवर्नमेंट में भी उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इसका दूसरा ही साइड देख लो ना, क्या है, नहीं ज्वाइन करें तो क्या करता है जी, जैसे सॉरी टू से जैसे जेएनयू के ज्यादातर जनता कर रही है, प्रोटेस्ट करेगा, कर ले, टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं तो क्या करेगा, अपनी अपनी दुकानदारी चला लेगा और वो चलने के बाद किसी पान पनवाड़ी या पान की दुकान पे खड़े होकर सिगरेट पिए और गॉसिप करे, यही है। सर कई लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर में जो लोग जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनकी जो सैलरी है वो बेहद कम है, तो उनके लिए क्या है जवाब यहाँ से जाएगा? एडवेंचर है ये, आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं, आपको लीडरशिप सिखाई जाती है, आपके अंदर इस ट्रेनिंग से इतनी टॉप की क्वालिटीज घुसती हैं कि उसके बाद आप कोई भी देख लो, कोई फौजियों की बेटियां देख लो, सबसे टॉप है बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आप फौजियों के बच्चे देख लो, कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल स्कूल के बच्चे देख लो जो फौज के कैंटोनमेंट्स के आसपास होते हैं, सारे टॉप के हैं यार। तो ये गलत फहमी है जी, ये बिल्कुल गलत फहमी है, इससे अच्छी लॉटरी इस देश की खुल नहीं सकती थी, यूथ की खुल नहीं सकती थी। मैं तो गुजारिश करता हूं कि हर फैमिली अपने बच्चे को यहां 4 साल भेज दे और उसके बाद खुद ही देख लेना कि क्या फर्क पड़ गया। खन्ना साहब, जो अग्निपथ योजना है उससे देश में क्या बड़ा बदलाव आएगा या सेना में क्या बड़ा बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा, जो आएगा बढ़िए के लिए आएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं आप पहले दिन से ये क्यों अपन मान रहे हैं कि यार इनमें कोई ये सब निकट्टू हैं, ये सब कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने आप को डिग्रेड ना करिए, ये इंडियन यूथ है, ये टॉप का है और इससे अच्छा जवान मिल ही नहीं सकता। फौज की लॉटरी खुली है, देश की लॉटरी खुली है, फ्यूचर की लॉटरी खुली। मजबूत सेना तो हमारी वैसे ही है यार, और कितनी मजबूत करोगे, बत्ती बंद कर देते हैं। चाइना का असलियत जब पता चलेगी लोगों को, जिस दिन बाहर निकलेगी तब पता चलेगा, या जो बांग्लादेश में हुआ या जो पाकिस्तान में हुआ, जब असलियत जिस दिन सामने आएगी ना, आज नहीं आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन पता चल जाएगा। इससे ज़्यादा ताकतवर की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ताकतवर हमें दूसरे आसपास के और दूर दूर वाले सबके दस्त लग जाएंगे। हमारे जैसी आर्मी है ही नहीं, हमारे जैसे पैरा फोर्सेज है ही नहीं, हमारे जैसी स्पेशल फोर्सेज है ही नहीं। लोग फालतू की बातें करते हैं, हमारे जैसे SPG है ही नहीं, हमारे जैसी पुलिस है ही नहीं। आपको पता है एक वॉलेट आपकी जेब से गायब होता है, ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है भाई साहब, ये पुलिस आर्मी का नहीं है, ये सब ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ही सिखा रहे हैं। एक एक वॉलेट अगर गायब होता है, गारंटी देता हूं SHO को अगर वो चाहे आधे घंटे से एक घंटे के अंदर पता होता है। इतने बड़े देश में एक जेब कतरा, एक वॉलेट उठाता है पूरे देश में कहीं पे भी, वहां का SHO को घंटे भर में पता होता है। असलियत ये है, ये क्या है, ये ट्रेनिंग की, ये एक्सपीरियंस की है, बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए जो आए, यूथ आए और उनको मौका लगे, मुझे तो नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास चल रहा है, आर्मी को नहीं चाहिए, लेकिन ये सिविलियंस की, ये उन बच्चों की, ये यूथ की लॉटरी खुली है। आर्मी का काम चल रहा था, आप ये मत सोचना कि कोई देश को कोई खतरा था, देश को जरूरत थी, कुछ जरूरत नहीं थी। फौज अपनी टॉप क्लास है, वर्ल्ड की नंबर वन फौज है और आगे भी नहीं कभी हो पाएगी ऐसी फौज, लेकिन ये सेक्रीफाइस है हम सबका, फौज का भी सेक्रीफाइस है कि अब ये यूथ को मौका मिल जाएगा यार, क्योंकि यंग है, नहीं तो ये क्या करेंगे, ये यही करेंगे जो कर रहे हैं, ये जो ये JNU आपको दिख रहा है कर रहा है यार, क्या इतनी शर्म की बात है यार, हद है। 35 साल के, 40 साल के वहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं आज तक, उनको तो कोई यूथ और यंग और ओल्ड बोलता नहीं है। फौज के अंदर 32 का है, 35 का है, फौज के ऊपर पड़ी रहती है। टॉप के ऑफिसर्स हैं, टॉप के जनरल्स हैं, टॉप के फौजी हैं और टॉप के फौजियों के बच्चे और उनके दोस्त हैं, सारा इंडिया कवर हो गया। अब मौका मिल गया है, जो मेरे बेटे को हक था वो आज मुझे, ठीक है मेरे बेटे को अब ज्यादा कंपीट करना पड़ेगा, लेकिन जिनको ये हक नहीं था उनको हक मिल गया है। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी जिसने ये डिसीजन लिया है, और ये कह रहे हैं मोदी साहब ने लिया, इन्होंने लिया, ये तो सिर्फ डिसीजन लेने वाले थे, इसके सोच उनका नहीं है, बहुत सालों से चली एक बात आ रही थी। आज मैक्सिमम 99% फौज यही चाहती है, क्योंकि यार हमारा फ्यूचर तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है। क्या जिन लोगों को कंधों पर ये जिम्मेदारी आने वाली है देश को संभालने की,
जो लोग देश की रक्षा के लिए जो है वो कसम खाने वाले हैं अग्निवीर योजना के जरिए हो, सेना में भर्ती के जरिए हो, क्या वो वाकई में देश जला सकते हैं या इनके पीछे जो है कोई और ही साजिश है? आपका क्या मानना है? अंधे निकालने लगे हैं नुक्स मेरे किरदार पर और बहरों की शिकायत ही कि मैं गलत बोलता हूं जी। यहां तो यही इतना ही, इसके अलावा मैं क्या बोलूं? सेना में जो पुराने समय में पेंशन मिला करती थी वो ज्यादा बेहतर है या फिर जो अग्निवीर में जो फंड दिया जा रहा है वो बेहतर है? भाई साहब देखो, पेंशन एक टाइम तक ठीक थी जी। मैं भी फौज में रहा हूं, मेरी 5 जनरेशन फौज में रही हैं। शायद ही कोई दुनिया की ऐसी एकेडमी हो, ट्रेनिंग एकेडमी हो, जहां पे मैंने ट्रेनिंग नहीं दी है, चाहे वो कपासूज हो, टॉप मोस्ट कमांडो फोर्सेज ऑफ इंडोनेशिया, चाहे वो मलेशिया के कमांडो फोर्सेज हो, चाहे वो यूके की एकेडमीज हो, ट्रेनिंग एकेडमीज, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, ये बहुत बड़ा एक भुलावा है। सैक्रिफाइस तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कितने दिन तक, आज आप जानते हैं 50% ऑफ आर पेंशन, हमारी जो बजट है उसका 50% पेंशन में जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, जिन्होंने काम करा है, मेरे ग्रैंडफादर्स ने, मेरे फादर्स ने भी काम करा है, लेकिन एक स्टेज के बाद बोझा अगर आपको बनना पड़े तो आपको सैक्रिफाइस देना आना चाहिए और उसके अलावा चलता नहीं है। पुरानी एक मेरी कहावत है, मैं हमेशा उसको दोहराऊंगा कि ए राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथ से शासन तलवार से। आज का जो हालात है पूरे वर्ल्ड में, इट इज सो इंपॉर्टेंट कि वी ऑल शुड बी रेडी टू गिव द सैक्रिफाइस। सब पहले ऐसे ही रोते थे जीएसटी के लिए, मैं भी रोता था, मेरे को भी बुरा लगता था जब डीमोनेटाइजेशन आई थी और जब मेरे नोटों को हम चेंज कराते घूम रहे थे, हमारे पास थोड़े थे, किसी के पास ज्यादा थे, पर दर्द सबको उतना ही था अपने औकात के हिसाब से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सैक्रिफाइस उस टाइम हुआ, आज कितनी शांति है, कितने मजे आ गए हैं बिजनेस वाले को, जिससे पूछो वो बोलता है यार मजे आ गए, शुक्र है यार ये हो गया। सेम है, सैक्रिफाइस मांगती है। और मेरे ख्याल से तो हमारे जो ब्रदर ऑफिसर्स हैं, हमारी जो फौज है, फौजी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, बहुत खुशी से सैक्रिफाइस देंगी, वो जान के सैक्रिफाइस देने को तैयार है। क्या पैसों की बातें कर रहे हो यार? ठीक है पैसा जरूरी है, लेकिन आपके पास पेंशन अगर देश पे बोझा बन रही है तो जरूरी नहीं है बॉस। कर्नल साहब, आप कई रेजिमेंट के साथ रहे हैं, कई रेजिमेंट में आप लोग जो हैं उनके बीच गए हैं, तो एक चीज़ बड़ा सवाल आ रहा है इसको लेकर के कि जब से ये अग्निपथ योजना आई है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या अग्निपथ योजना आने से जो रेजिमेंट सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ेगा और रेजिमेंट व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी क्या? भाई साहब बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, मतलब मजा आ गया। रेजिमेंटेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फौज की, आर्मी में। ये बड़ा, मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा 1.5 साल पहले, जब ये पूरी इंक्वायरी चल रही थी और हमारे को इनपुट्स लिए जा रहे थे बहुत। तो रेजिमेंटेशन रीढ़ की हड्डी है जी। रेजिमेंटेशन से ही सब कुछ है। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, इनको उसी तरीके से बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में और ये जरूरत थी। लेकिन आज के दिन में आपको मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे इंडियन आर्मी है वैसे इंडियन नेवी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है। इंडियन नेवी में कोई रेजिमेंटेशन नहीं है 16-17 साल का, वहां पे रेजिमेंटेशन नाम वाली चीज नहीं है। वहां पे ट्रेनिंग है, वहां पे नॉलेज है, 16-17-20 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद दूसरी बोट पे चले जाते हैं, दूसरी शिप पे चले जाते हैं, दूसरी ड्यूटी पे चले जाते हैं। ऐसे इंडियन एयरफोर्स है, लेकिन वो तो सबसे बेस्ट है यार। आज अपनी बेस्ट इंडियन एयरफोर्स है। इसका मतलब रेजिमेंटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसकी वजह से आप इतनी ज्यादा बदतर चीज को, इतनी ज्यादा टॉप क्लास चीज को आप राइट ऑफ कर दोगे, आप नहीं करोगे कि रेजिमेंटेशन, मैंने कहा ना सैक्रिफाइस है, देना पड़ेगा। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि सिर्फ अगर 6 महीने की ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है तो क्या वो अग्निवीर जो है वो पाकिस्तान और चाइना जैसे संवेदनशील बॉर्डर पर भी क्या लड़ने के योग्य बन पाएंगे? एक छोटी सी इंग्लिश सेइंग है, अ टाइगर डज नॉट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियन ऑफ द शीप जी। एक शेर शीप की उस पर अपना फिक्र नहीं, नींद नहीं खोता। 6 महीने की ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग, अगर आपके पेट में आग है तो याद रखना कि ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंगें होती रही। मैंने आपको कहा नेशनल डिफेंस एकेडमी से लेके आईएएस एकेडमी से लेकर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से लेकर
इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी से लेकर कपासू से लेकर मलेशियन फोर्सेस से लेकर यूके फोर्सेस से लेकर सबकी ट्रेनिंग करी है, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा बहुत पता है। ट्रेनिंग एक पार्ट है, सबसे जरूरी है एक्चुअल ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग। जो मेरे नीचे तो वहां पे लीडरशिप काम आएगी, वहां पे जो ऑफिसर्स है, वहां पे जो उनके सीनियर्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। सब कुछ जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो चीज काम आती है जिसको अपन कहते हैं सड़क की नॉलेज। तो असली ट्रेनिंग असली ग्राउंड पे ही होती है, और उसमें जिसके पेट में आग होती है वो मिनटों में सीखता है, घंटों में सीखता है, दिनों में सीखता है, हफ्तों में सीखता है। जिसको महीने और साल लग गए ना सीखने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। उसको डिसिप्लिन सीखना है। उसको अगर डिसिप्लिन आ गया तो उसके एक्सपीरियंस तो बहुत है ना। एक्सपीरियंस की कहां कमी है इस देश में, तो एक्सपीरियंस वाले लीडर्स तो उसके हैं। उसको जो चीजें सीखनी है, उसको एथिक्स सीखने है, उसको देश के लिए प्यार सीखना है, उसको अपना सामान की इज्जत करना सीखना है, उसको हर मिट्टी के तिनके में अपनापन दिखना चाहिए। ये सारी चीजें मिलिट्री में बड़े आराम से इंकलकेट हो जाएंगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, लॉटरी खुली है। जिस दिन ये पहला बच्चा भर्ती होगा उस दिन असली दिवाली होगी इस देश के लिए। जैसे आपने कहा कि भर्ती को लेकर के, तो सेनाओं ने भी जो है पहले से ऐलान कर दिया कि भर्ती शुरुआत होगी और किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन चलता रहे उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक आपने जो पहले बात बताई कि कई मजबूत देश हैं जिन्होंने जो है वो कंपलसरी की हुई अपने आप पे ट्रेनिंग, तो उनके देश में पहले के समय में और आज के समय में क्या बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने इस ट्रेनिंग को अपनाया, और जो भारत भी आगे बनेगा क्या उस तरीके का अगर ये ट्रेनिंग भारत में आती है तो? टॉप के कंट्रीज ले लो, जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे सर्वाइवल अच्छा है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, जहाँ पर जॉब्स हैं, जहाँ पर लोग खुश हैं, हैप्पीनेस स्केल बहुत हाई है। सिंगापुर जी, इज़राइल, जापान जी, इन सारी जगहों में भाई साहब सब सारी क्या फर्क है। वो भी वहाँ भी इंसान है, नाक है, मूंछ है, हाथ है, लेकिन वहां पे फर्क यह है कि वहां पे ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है। कहीं 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग है आर्मी की। आपको आर्मी में जाना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है, और उसके बाद अपने अपने काम करते हैं यूथ। उन देशों में आपदा आने पर, प्रॉब्लम्स आने पर, नेचुरल क्लैमिटीज आने पर, जो कि बहुत आ रही हैं जिस तरीके से हम चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आने पर, जो इमरजेंसी नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उस टाइम, यहां पर पूरी सब सारा बोझा फौज के ऊपर। कश्मीर डूबता है फौज, यहां पर अपने वो मंदिर कौन सा, वो उत्तराखंड के अंदर है फौज। यार फौज का यही काम रह गया क्या? इसलिए रह गया क्योंकि हमारे यूथ को पता नहीं है एक 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 लाइफ सेविंग कैसे सिस्टम देना है, हमारे को पता नहीं है कि किसी को चोट लगी है उसको कैसे बांधना है। इसलिए आप सोचो, ये तो मल्टीपल हो रहा है। जिस काम से फौज है वो उतना ही काम करेगी, बाकी ये जो यूथ है, ये जो यूथ की फौज है, इससे पावरफुल फौज नहीं है। अपनी फौज कुछ भी नहीं है इस यूथ की पावर के सामने। इस पावर को चैनलाइज किया जा रहा है, सबके लिए बराबर है। मुझे बस एक ही चीज नहीं समझ आ रही कि ये लोग अपोज कर रहे। अरे भैया मत जाओ, किसने कोई जबरदस्ती थोड़ी हो रही है कि आओ। आपको एक चीज बता दूं, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इतनी ज्यादा जनता है यार, 25 लाख रुपए आपको 4 साल में मिल रहे हैं, कौन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तमाम जो लोग हैं विपक्ष के हैं वो एक्टिव हो गए हैं जैसे ये योजना आई, और उनकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ कही जा रही है कि पूरा यूथ जो है उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद एज, 4 साल की काम कराने के बाद आप उसको रिटायर कर दे रहे हो। जो रिटायरमेंट उसका 60 साल पे होता था, 45 साल पे होना था, आप 24 साल के बंदे को रिटायर कर दे रहे हो। सर पॉलिटिक्स का बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फौजी हूँ, 5 जनरेशन से फौजी हूँ, पर इतना ही कहता हूँ कि अ लाय हैज़ स्पीड बट द ट्रूथ हैज़ एंड्योरेंस। तो इसलिए वो वाली बात है कि नॉट एवरीबडी लाइक्स मी एंड नॉट एवरीबडी मैटर्स। उनका जो काम है वो करते रहेंगे, करना है उनका काम। हाथी जब चलता है ना, कुत्ते भौंकते हैं। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुत्ते हैं, पर एक कहावत है, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं ना। हाथी उसको रोक के हर पत्थर मारता है कुत्तों को, वो अपना चलता रहता है, कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकते रहते हैं। ये देश का कि सुपर बम्पर लॉटरी है,
ये यूथ की लॉटरी है, ये मुसलमान की, ये हिंदू की, ये जाट की, ये सिख की, ये सबकी लॉटरी है। इसमें एक ही थोड़ा जो नुकसान मुझे दिखता है उसका भी रास्ता निकलाएगा, गोरखाली रेजिमेंट्स, क्योंकि गोरखाली रेजिमेंट्स प्योर गोरखाली रेजिमेंट्स है, उनको अपन कैसे मेंटेन कर पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक सोच का की पॉइंट है। अदरवाइज जमाना बदल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी टैंक, बिल्कुल टैंक के ऊपर देश हारते थे या जीतते थे। आज आज की यूक्रेन की लड़ाई क्या दिखा रही है आपको? ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये टैंक रियली जरूरत है क्या? अब ये टैंक तो आउट ऑलरेडी आउटलिव्ड हो गया, टैंक गायब हो जाएगा फौज में से अभी, देखना आप, क्योंकि टैंक तो एक एक जो एक ताकत थी वो अब एक वीकनेस बन गई है आपकी। सेम वे आप पुराने जमानों में क्या होता था क्या नहीं होता था, पॉलिटिक्स क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, कोई बात ही नहीं है। मैक्सिमम यूथ है शायद 65 या 70% अपना यूथ बिलो 30 या 35 है। आप सोचो यार, लॉटरी खुलने वाली है भाई साहब, लॉटरी खुलने वाली है। मेरा बच्चा एक्साइटेड है, मैं 10 बच्चों को अपने को जानता हूं ऑफिसर्स के, वो एक्साइटेड है, लड़कियां एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड है। ये प्रेस ने, आप लोगों ने ये क्या फैला रखा है कि ये तो नुकसान है, ये है वो है। आज किसी ने बोल दिया जी पता नहीं इससे देश को क्या नुकसान। अरे देश को नुकसान, तुम देश की फिक्र मत करो यार, तुम अपनी अपनी फिक्र करो। तुमने अपने बच्चे भेजने, भेजो, नहीं भेजने मत भेजो ना। कौन बोल रहा है कि भेजो? कौन ये कह रहा है कि तुम्हारे को आधार कार्ड नहीं मिलेगा या पैन कार्ड नहीं मिलेगा या रेलवे टिकट या कंसेशन या क्या होता है वो ये अपना गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? मत भेजो, नहीं जाना तो कमी नहीं है, याद रखना भाई साहब। आज बता रहा हूं, एक वैकेंसी 100,000 बच्चे अगर नहीं खड़े होंगे तो क्या बात कर रहे हो? इस ये फिक्र है, और हर जात के, हर पात के, हर जना खड़ा होगा। तो इसलिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुच्छे लोग जो होते ना, तुच्छे लोग, वो ये सब गलत बातें फैला रहे हैं। नहीं तो सच्चाई ये है जो मैं हमेशा से कह रहा हूं, बंपर लॉटरी है। कर्नल साहब, आपने काफ़ी समय तक जो है वो सेना में भी काम किया, इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया, तो मैं चाहूँगा कि उन तमाम युवाओं के लिए जो रोड पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज यहाँ से दें, और अगर कोई सुझाव है युवाओं के लिए या सरकार के लिए तो वो भी दें। हम हिंदुस्तानी हैं, याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। ये जिस दिन अपने में आ गया उसी दिन वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे भी कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार मैं जाट हूं तो क्या जाट रेजिमेंट खत्म हो जाएगी, मैं पंजाब स्कूल में पढ़ाऊं तो यार पंजाब रेजिमेंट खत्म हो जाएगी, इतनी टॉप की है यार, गोरखाली रेजिमेंट खत्म हो जाएगी। छोटा सोच है, मेरा सोच है, हम सबका छोटा सोच होता है। बड़ा जब होके आप सोचोगे तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। इंडिया है, देश है, भारत है, हिंदुस्तान है, जो भी है एक है, और उसमें उसकी ताकत तभी आएगी जब उसके मैक्सिमम लोग कमाई कर रहे होंगे। 25 लाख रुपए यार, आप किसी यूथ को असली में अकेले में जाके, तो वो भीड़ में तो क्या है, भीड़ में तो सारे शेयर हो जाते हैं। अकेले में पूछो वो बोलेगा सर क्या करें, भीड़ में सब तो हम भी कर रहे हैं। ये एक थोड़े से, ये एक थोड़ी सी कमी है, पर क्या करें, है तो मैं तो आपको यही कहूंगा जी कि You will hear thunder. ये thunder है. You will hear thunder and remember and think about me. That Ali wanted thunderstorm. ये thunderstorm है. ये thunder है. ये इस देश को सींच जाएगा. ये इस देश को पार लगा जाएगा. और ये देश सबका है. हिंदुस्तान है. हिंदू का है. मुस्लिम का है. जाट का है. ईसाई का है. पारसी का है. सबका है. पारसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो कभी नहीं बोलता ये देश मेरा है या नहीं है। हम छोटे छोटी चीज पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पार आएंगे। जब पैसा आ जाएगा ना, जब कमाई आ जाएगी, ये सारी चीजें छोटी रह जाएंगी और अच्छी चीजें बड़ी हो जाएंगी, जो होना चाहिए। और ये उसका एक एक एक, एक ये उसका भी एक पड़ाव है। जी कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय अहलावत जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और तमाम उन सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए जो युवा जानना चाहता था, देश के जो तमाम लोग हैं वो जानना चाहते थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कर्नल साहब से कॉन्टैक्ट करके आपको उन सभी सवालों के जवाब पहुँचाएँ। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।